बड़ी अच्छी भक्तांबर में बात कही है कि भगवान क्या फायदा उन धनिकों से जो अपने नौकरों को सिर्फ आजीविका देते हैं, और उन धनिकों से फायदा है जो अपने नौकरों को अपने समान बना लेते हैं। हमारे परमात्मा तो एक दुनिया में यदि कोई देवता है तो वो देवादिदेव अर्हंत देव हैं, जो मार्ग भी बताते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। और वहां तक पहुंचा जाओ फिर संसार में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम हैं गणधर बोलते हैं मुनिंद्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ घातम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। क्या कितनी बड़ी बात कही है कि आपको मुनिंद्र, मुनिंद्र ने आचार्य, और आचार्यों में भी जो श्रेष्ठ हैं गण के नायक हैं ऐसे गणधर देवी नमो देव देवम कहते हैं। भगवान देवो आदि देव हो आप। देव तो वो होते हैं जो अणिमा गरिमा महिमा आदि के शक्ति के धारी होते हैं, लेकिन आपको तो वो देवता भी नमस्कार करते हैं क्योंकि आप देवादि देव हो, आप जिनवर हो, जिनेंद्र में श्रेष्ठ हो। हमारे मन भी क्या हुआ, आपको पाने के लिए लालायत है। और इतना ही नहीं कि हम सिर्फ पाना चाहते हैं, भगवान तुम्हारी आराधना से अब हम और कुछ पद नहीं चाहते हैं। इंद्र के पद नहीं चाहिए, चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती के लिए भी कह दिया यदि तुम राज्य में मरोगे तो नियम से कहाँ जाओगे, नरक जाओगे, और यदि त्याग में मरोगे तो स्वर्ग भी जा सकते हो और मोक्ष भी जा सकते हो। जितना जितना वीतरागता हमारे अंदर आएगी, आप कहोगे माता जी हमारी भूमिका में वीतरागता कैसे आ जाएगी, कम से कम लक्ष्य तो बना ही सकते हो। जितना घटती जान घटाइए घर माई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, कम से कम रुचि संसार में तो मत रखो। आप लिस्ट बना कर देखना, जो मंदिर में भी बहुत अच्छी भावनाएं बताए। एक व्यक्ति कह रहा था अपन भी रोज पढ़ते हैं पापिस्ते ने दुरात्मा ना जड़ दिया माया बिना लो बिना, क्या क्या बोल रहे हैं भगवान के सामने, पापी हूँ दुष्ट हूँ लोभी हूँ माया भी हूँ, और क्या बुद्धि के बिना मैंने पाप किए और दुष्ट हूँ, बार बार निंदा आलोचना करता हूँ। लेकिन कोई आपसे पूछे कि दुष्ट जी इधर आओ, आप क्या कहोगे, कहने लगे तुमने मुझसे कहा तो कहा कैसे। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में कह रहा था भगवान मैं चोर हूँ पापी हूँ दुष्ट हूँ नीच हूँ, एक दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया और बोला भाई साहब आप क्या क्या कह रहे थे वही हो क्या, बोले किसी से कहना मत, कह दिया तो मान हानि का दावा ठोक दूंगा। तो कहने लगे आप भगवान से कह रहे थे वो गलत कह रहे थे क्या, वो तो भगवान है वो थोड़ी सुनते हैं इसलिए सुना रहा था। अरे भगवान सुने या ना सुने तू नहीं भी सुनाएगा, ध्यान रखना तब भी वो तो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जय वंत नित्य अरिरज रहस्यहीन। लेकिन परमात्मा तुम्हारा तो तुम सकल गेयों के ज्ञाता हो लेकिन फिर भी निज आनंद में लीन रहते हो, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं उसके बाद भी, तो क्या क्या प्रारंभिक भूमिका में क्या करें कि हम परमात्मा की आराधना हो। तो कहा अच्छी स्मृतियों को पुण्य स्मृतियों को अपने दिल में संजो कर रखो। कह दिया है न पूज्य अर्थस्तो वीतरागा न निंदिया नाथ विवांत वैरही तथापि ते पुण्य गुणा स्मृति ना पुनात चित्तम दुर्ताम जने। कहते हैं भगवान तुम्हारी गुण स्थिति मुझे पता है, आपको राग नहीं इसलिए पूजा से कोई अर्थ नहीं पड़ता है, और आपको द्वेष नहीं है इसलिए आपकी कोई निंदा भी करे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, परमात्मा फर्क तो उसको पड़ता है जो आपकी पुण्य स्मृतियों को अपने हृदय में धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऊर्जा यही है, मन वचन का यही है, यदि ने परमात्मा की आराधना में उनके गुण चिंतन में लगा दोगे तो एक दिन तुम भी गुणी बन जाओगे। जैसी भावनाएं होती हैं जाकी रही भावना जैसी,
ताने पाई संपत्ति वैसी, जाकी रही भावना जैसी। ध्यान रखना, हमारी भावनाएं जैसी होती हैं वही फलीभूत हो जाती हैं, वही प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें कौन से स्मरण, कौन सी स्तुतियाँ, स्तुतियाँ सिर्फ शब्दों से नहीं पढ़ना है। जब हम एक एक स्तुति पढ़ें तो विचार करें कि परमात्मा तुम्हारी स्मृति से एक चंडाल भी देवों द्वारा पूज्य हो सकता है, एक स्वान भी देवता हो सकता है, एक मरता हुआ नाग भी क्या धर्णेन्द्र और पद्मावती हो सकता है। लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते भी कि ये नाग नागी न दो लोक स्वामी, हरो मान्य तू दैत्य को हो अकामी। क्या कहते हैं भगवान, तुमने एक नाग नागिनी को क्या बना दिया, भगवान ने बना दिया क्या? नहीं, उनकी गुण स्मृति, उनका देख के ही जो साम भाव आ गए अंदर में, जो उनकी ऊर्जा से तुम्हारे ऊर्जा के तारतम्य मिल गए, जो तुम्हारी सोच अच्छी हो गई, उसके कारण लोग कहते नमोकार मंत्र सुनाया था हमने, कि तुम तो जिंदगी भर सुनाते हो, तुम्हारे परिणामों में तो परिवर्तन नहीं होता है। तुम कार्ड पर लिखते हो स्वर्गवास हो गया, मैंने कहा फिर भी उसका नरकवास हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे कार्ड पर लिखने से स्वर्गवास नहीं होगा। इन्हीं परिस्थितियों में कई लोग नरक जैसी जिंदगी जीते हैं। नरक और स्वर्ग क्या है? जब आपकी परिणामों में उथल पुथल होती है, संक्लेश होता है, काय कलेश होता है, तब आप कहते हैं घर ये नरक है। और जब आपके परिणामों में प्रसन्नता होती है, साम्य भाव होता है, शांति होती है, दया और परोपकार होता है, तो आप कहते हो घर है स्वर्ग है। क्यों? घर स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। हम लोग तो घर में कोई काम करेंगे संकलेश से जिएंगे, और संकलेश दुर्गति का कारण है। ध्यान रखना, यदि घर के काम भी तुम संकलेश से मत करना, एक उत्तरदायित्व ड्यूटी की तरह करना, और ड्यूटी की तरह भी मत करना, प्रेम से करना। जो ड्यूटी से किया जाता है वो एक थकान देता है। छोटे से बच्चे को देखना, वो दिन भर घूमता, दिन भर खेलता है, उतना यदि आप उसके साथ घूमोगे तो बुरी तरह थक जाओगे जितना बच्चा चलता है। लेकिन बच्चे को खेल है इसलिए वो थकता नहीं है, आप उसमें थक जाते हैं, क्योंकि आपको वो काम है, आपको बच्चे को रोकना है इसलिए थक जाते हो, और बच्चा नहीं थकता है क्योंकि उसके लिए खेल है। एक पर्वत पर एक लड़की अपने भाई को लिए जा रही थी, भाई बहुत हेल्दी था, तो किसी ने उससे कहा कि बेटी तुम थक जाओगी, तुम्हारे भाई को तुम लेके चढ़ रही हो। उसने कहा भाई ये थक कैसे जाऊंगी, भाई बोझ थोड़ी है। ध्यान रखना, आप भी अपने बच्चे को दिन भर गोद में लेते थकते नहीं है, और नौकरानी 2 घंटे ले ले तो थक जाती है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। इसी प्रकार से हम मंदिर में अभी तक परमात्मा से प्रेम हो तो घर चले जाओगे लेकिन पूजा का विसर्जन नहीं होगा। घर चले जाओगे सबके बीच में भी तुम्हारी सामायिक नहीं टूटेगी, तुम सबके बीच रहोगे लेकिन तुम्हारी आराधना और उपासना बंद नहीं हो, ऐसे ही होना चाहिए। घर में कुछ करो, एक लक्ष्य रहे कि ये संसार तो सराय खाना है, यहाँ तो आना और जाना है, यहाँ तो निरंतर जीव कौन कौन सी योनियों में आते हैं। लेकिन हमारी भ्रांति कैसी है, जिस प्रकार से छिपकली कहती है कि चिंता मत करो मेरे कारण दीवार टिकी है। छिपकली के कारण दीवार टिकी है क्या?